हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छप्पन भोग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी के साथ, जो कि सिर्फ 10 रुपए में बनने वाली हैं। तो इस रेसिपी को जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी मैं रेसिपीज़ लेकर आऊँ वो आप तक पहुँच सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट बॉल की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है कोको पाउडर, कुछ चॉकलेट्स मैंने ली हैं, जैसे कि मैंने मंच ली है और पर्क ली है। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, आप कैडबरी भी ले सकते हैं या कोई भी आप चॉकलेट ले सकते हैं। एक पैकेट मैंने पार्ले जी का बिस्किट लिया है, मैंने स्प्रिंकलर में चॉकलेट स्प्रिंकलर लिया है और मल्टी कलर स्प्रिंकलर लिया, थोड़ा सा दूध मैंने लिया है। देखिए, इसमें से आप कोई भी चॉकलेट कंपाउंड ले सकते हैं, ईजिली आप कहीं से बिग बास्केट या कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। अब आप मिक्सी जार लें, उसमें आप सारे बिस्किट्स को बारीक बारीक इस तरह से तोड़ लें और इसको अच्छे से पीस लें, जिससे बिल्कुल ये पाउडर की फॉर्म में बन जाए। देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। अब एक बर्तन लें, उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर लें। देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब, मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी। सभी को मिक्स कर लें, कोको पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें शुगर डालने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज बिस्किट ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं करी है। बट मैं इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं एक बार इसको मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा कर कर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। देखिए, आपको इसमें दूध ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करके करें, जिससे कि ये डो की फॉर्म में बन जाए। जैसे हम आटा गूंथते हैं, उसी तरह से इसको भी आप गूंथ लें। इसे 2 से 3 मिनट तक आप अच्छे से गूंथें, और अगर आपको लगता है कि ये टाइट है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब दूध और ऐड कर सकते हैं। बट हमें इसे अच्छे से मतना है, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको बना लेना है। देखिए, मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं और इसको मतूँगी, जिससे ये और सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा, जब हम बॉल्स बनाएंगे तो उसमें जो है वो क्रैक नहीं आएंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट करने दूंगी, तब तक हम अपनी चॉकलेट मेल्ट करते हैं। तो एक बर्तन में मैंने पानी गर्म कर लिया है, 1 कटोरी में मैंने चॉकलेट कंपाउंड जो था मैंने दिखाया था वो डालूंगी और मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। अब हम बनाते हैं चॉकलेट बॉल्स। तो आपके पास जो भी चॉकलेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मंच और मैं पर्क ले रही हूँ, उसको छोटा छोटा आप तोड़ लें। इस तरह से आप इसको तोड़ लें। अब ये थोड़ा सा आप चॉकलेट का जो हमने बैटर बनाया है उसको लेंगे और इसके अंदर मैं ऐसे फिल कर दूंगी, जिसे जब भी मैं ये चॉकलेट बॉल्स खाऊंगी मुझे ये क्रंची लगेगा। आप इसके जगह आप जैम्स भी डाल सकते हैं, या आप कोई भी रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि आप रोस्ट करके बादाम डाल सकते हैं या आप किशमिश डाल सकते हैं। मैंने इसमें चॉकलेट ऐड करी है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने सभी को अच्छे से बना दिया है। 5 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूंगी और फिर बाहर निकाल लूंगी। इधर मेरी चॉकलेट भी अच्छी मेल्ट हो गई है। अब जो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाली थी बॉल्स को, इसको मैं इसमें डिप कर लूंगी। अच्छे से इसको कवर कर लें चॉकलेट से और इसको साइड कर में प्लेट में रख लें। इसी तरह आप बाकी सबको भी रिपीट कर लें, जैसे मैं दिखा रही हूँ। अच्छे से आपको कोट करना है चॉकलेट से और इसको प्लेट में रखते जाएँ। देखिए, मैंने सभी चॉकलेट्स को अच्छे से कोट कर लिया है। अगर आपको लगे कि कम है कहीं से चॉकलेट कोटिंग अच्छे से नहीं हुई, तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर डालेंगे स्प्रिंकलर। तो मैं इसके ऊपर मल्टी कलर के स्प्रिंकलर डाल रही हूँ, जिससे जो मेरी चॉकलेट बॉल्स हैं वो खाने में तो टेस्टी लगेंगी ही, बट देखने में भी सुंदर लगेंगी। इसको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के करीब आप और फिर फ्रिज में रखें, और ये हैं खाने के लिए तैयार। तो अगर आपको मेरी ये चॉकलेट बॉल की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 10 रुपए के पैकेट में बनाए गए इतने टेस्टी चॉकलेट बॉल्स आपको कैसे लगे। थैंक यू।